देखा था, बेशर्म गाना आप तो देखे होंगे, थोड़ा सा देखे, थोड़ा सा देखे, देखा है, देखे। तो उसमें आपको कुछ ऐसा लगा कि जिसे विरोध करना? मैंने नोटिस ही नहीं किया वो सीन। हाँ, वो उसको जबरदस्ती हवा में लाया जा रहा है, वो ऐसा कुछ है नहीं मेरे ख्याल, मेरे पर्सपेक्टिव से। लाइमलाइट में लाने के लिए बॉयकॉट का नारा लगाया जा रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है। जैसे रामधारी सिंह दिनकर एक बात कहे हैं कि आप लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, ये कम बुरा है, लोग आपकी बात ही नहीं कर रहे, ये अधिक बुरा है। तो लोग इसकी बात करें, भले ही बुराई में क्यों ना बात करें, इस काम इस मुद्दे को फैलाया जा रहा है, और कोई बात नहीं है। मुझे ना ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा करके लोग उसको बाइकॉट ट्रेंड चलाएंगे, लेकिन वो ब्लॉकबस्टर जाएगी मूवी। हाँ, जो लोग इन मूवी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये बाइकॉट ट्रेंड अलर्ट के बाद वो भी जान जाएंगे, और ये ज़्यादा लोगों के पहुँच में जाएगी, तो ज़्यादा लोग इसको देखने वाले आएंगे। कुछ लोग तो इसलिए भी देखने आएंगे कि ये मूवी बाइकॉट क्यों हो रही है, और इसी कारण में ये ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता नहीं है। लेकिन जो मसला आप बता रहे हैं कि गेरुआ रंग की बिकनी के चलते, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी रंग भेद के कारण किसी फिल्म को बाइकॉट करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हिंदू धर्म में भगवा रंग को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके कारण फिल्म को बाइकॉट किया जाए। मनोरंजन की जो चीज़ें, उसको मनोरंजन के तरीके से ही लेना चाहिए, ना कि उसको सामाजिक और धर्म के तत्व पर लेना चाहिए। और जैसे कि लोग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पठान मूवी है, शाहरुख खान की मूवी, तो उसको बाइकआउट करना चाहिए। क्या इस पे आप लोग को लगता है कि यह मुमकिन है ऐसा करना चाहिए? अगर वो करना भी चाहे, हो सकता है वो ना कर पाए, क्योंकि फैन बेस शाहरुख खान की इतनी बड़ी है कि वो उनको शायद कंट्रोल ना कर पाए। ये करने वालों की सोच के ऊपर निर्भर करता है, ये करने वालों की बात है, वो करें। कहीं ना कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि यूपी में पूरी तरीके से बैन की मांग की जा रही है, क्या ये सही है? यूपी में मूवी, उसकी पठान मूवी बैन होनी चाहिए? जब तक मैं पूर्ण रूप से मूवी को नहीं देख लेता हूँ, तब तक उसके हिसाब से कोई मतलब डिसीजन लेना सही नहीं होगा। इसमें पूर्ण रूप से कोई मूवी देखने के नहीं, उससे पहले ही बाइकॉट लोग करना शुरू करें, क्योंकि वो पठान है, शाहरुख खान की मूवी है। तो बात है, मुद्दा तो देशभक्ति है पठान को, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे मालूम है कि एजेंट की कहानी है, तो एक स्पाई की कहानी, एक स्पाई की कहानी, एक एजेंट की कहानी है। तो जब मुद्दा देशभक्त का है, तो फिर इसे क्यों बैन करना चाहिए? और जहाँ तक बात स्पाई की है, तो उसमें उनके कई कोड वर्ड होते हैं, जैसे शेरशाह था, वो भी तो क्या उर्दू नाम था, तो पठान को ही क्यों बैन करना चाहिए? जी, मुझे भी यही लगता है कि बिना मूवी देखे पहले उसको बाइकआउट करना ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। इतनी मेहनत से, इतने उसमें फिल्म में क्या खासियत है, पहले तो उसको देखा जाए, और उसको अभद्र टिप्पणी या किसी धर्म के कारण उसको लेना, वो सही नहीं है। और उसको मूवी को देखने पहले हाल में जाओ, अब देखो उसकी मूवी क्या है, अगर उसमें कुछ गलत दिखाता तो आप विरोध करो तो समझ में आता है। आप किसी गाने को लेके उस पर विरोध नहीं कर सकते हैं, ठीक है? यानी आप लोगों का यही लगता है कि मूवी को चलने देना चाहिए, विरोध नहीं, और मुझे लगता है ये मूवी बहुत ही ब्लॉकबस्टर जाएगी। जैसा कि वॉर का सीक्वेंस है ये, तो वॉर ब्लॉकबस्टर थी, ये भी ब्लॉकबस्टर होगी। अभी और भी इसके रिलेटेड में और भी मूवी आएंगी, इससे कनेक्टेड रहेंगी। जी, जैसे कि आपने गाना